ठंड भी बहुत लग रही है, तो हमने ये जुगाड़ किया हुआ है देसी। आप देख सकते हैं इसे हम धोरिया कहते हैं, वो तो आपको पता है। तो चलिए आज हम आपको हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति और मैं आ गई हूँ फिर से एक बार हमारे खेत में, जहाँ पे गेहूँ पे पानी चल रहा है। और आज हम हमारे गेहूँ के बारे में बात करेंगे। तो अभी सर्दियों का मौसम है, तो सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए ठंड भी बहुत लग रही है। तो हमने ये जुगाड़ किया हुआ है देसी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आग लगाई हुई है। मुझे वैसे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, थोड़ा सा गोबर मिला और कुछ प्लास्टिक ऐसी चीज मिल गए, जिससे मेरे पास माचिस थी तो मैंने जला लिया। ये हमारी, इसे हम भती कहते हैं, टॉर्च। और हमारे गेहूं में पानी चल रहा है, आप देख सकते हैं। और इस पानी, ये छोटी केनाल में से आ रहा है, इसे हम धोरिया कहते हैं, वो तो आपको पता है। तो चलिए आज हम आपको हमारे गेहूं की शेयर कराती हूँ दूसरी खेत की। आप लोग देख सकते हैं ये हमारे गेहूं। अभी सुबह का टाइम है, सूरज भी नहीं निकला है, आप देख सकते हैं। यहाँ का नजारा कैसा है भैया? यहाँ पे ठंड तो बहुत ज्यादा ही लग रही है, बात ही मत पूछो। पर जो के सुबह का टाइम है और सभी लोग अपने खेतों में पानी, अपनी हर फसल, जो जिसने जो भी फसल लगाई हो उस फसल में पानी देता है, उसकी वजह से खेत गीले होते हैं तो ज्यादा ठंड लगती है। और हमारी यहाँ गेहूं की फसल लगाई हुई है। अभी हमारे गेहूं छोटी है, जो थोड़े ही दिन में बड़ी होगी। आपको मैं कुछ दिखाती हूँ, पेड़। और भी है, आप देख सकते हैं, पूरा खेत है वहां तक है, उसमें हमने गेहूं बोए हुए है। बड़े हो गए हैं, अब तो मिस्टेक होती है थोड़ी बोलने में। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी गेहूं और हमारा देसी जुगाड़ जो हमने आग लगाई थी? वो क्या है, हम माचिस तो साथ में ही रखते हैं, कुछ ऐसा जो जो कि दूर होता है मार्केट, वहां तक हम साथ में तो नहीं लेके जा सकते कुछ भी जलाने की चीज। तो माचिस साथ में रखते हैं और उससे हम जला लेते हैं जो मिले उसे। और खेत में कहीं ना कहीं पेड़ पौधे होते हैं, तो सूखी लकड़ी या ऐसे आदि सब मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगी हमारी गेहूं? और आ गए हम पिछले वाले हिस्से में, जहां तक पानी पहुंचा है कि नहीं हम देखने आए थे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे क्यारी का पीछे वाला हिस्सा है। आप क्या कहते हैं उसे, कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे देख सकते हैं पानी बिल्कुल अच्छी तरह से पहुँच चुका है। और अभी इस क्यारे में पानी आ रहा है। आप लोगों ने देखा कि हम कैसे हमारे गेहूं में पानी दे रहे हैं। तो फिर मिलते हैं, तब के लिए अगली वीडियोस के लिए बाय बाय, सी यू।